हरे कृष्णा। पद्म पुराण में कहा गया है, गंगायाम नर्मदायाम यत् पुण्ये सारस्वते जले स्नात्वा पुण्यम अवाप्नोति जयन्त्याम सामुपोषणे। अर्थात गंगा, नर्मदा तथा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति जयंती यानी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने वाले को भी होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भविष्योत्तर पुराण भी इस बात की पुष्टि करता है कि जिस घर में जन्माष्टमी व्रत का पालन किया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार का अभाव, विवाद, कलह और जीवन साथी का वियोग नहीं आता। और अगर कोई अनजाने में भी जन्माष्टमी का व्रत धारण करता है, तब भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो व्यक्ति सभी व्रत नियमों का पालन करके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होकर इस जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो व्यक्ति सदा के लिए इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। तो ऐसी परम पवित्र जन्माष्टमी तिथि का आगमन बस कुछ ही समय में होने वाला है। जन्माष्टमी यानी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत मंगलमय अष्टमी तिथि, जब परम भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत से इस मर्त्य लोक में अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामिति सो अर्जुन। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और लीलाओं को समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। तो चलिए एक बार फिर हमें इस जन्माष्टमी के अवसर पर परम भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य तत्व को समझने का और उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और इस बार जन्माष्टमी आ रही है 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:30 और सूर्योदय होगा 6:06 पर। इस दिन पवित्र रोहिणी नक्षत्र का योग है और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे उचित समय भी। जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण व्रत और उपवास का पालन करना चाहिए। कुछ भक्त इस दिन संपूर्ण निर्जला का पालन करते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न होने के बाद ही उस चरणामृत के साथ अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ भक्तों के लिए ये संभव नहीं होता है, तो वे कम से कम जल, दूध या फल के साथ जन्माष्टमी का पालन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में जन्माष्टमी के दिन अन्न युक्त भोजन का स्वीकार नहीं किया जाता। इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप, कथा और कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य जीवन के लिए सभी कार्यों में सबसे श्रेष्ठ कार्य और कर्तव्य है परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और उनकी भक्ति करना। अगर आप जन्माष्टमी व्रत का पालन कैसे करें, उसकी संपूर्ण व्रत विधि जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस विषय के ऊपर भी एक विस्तृत वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। और हाँ, याद से जन्माष्टमी की विशेष कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस बार तन से भगवान की सेवा करके, मन से सदैव उनका चिंतन करके और उनका नाम जप करके तथा धन से दान देकर जन्माष्टमी व्रत का पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से उनके आविर्भाव दिवस पर उनकी ही शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।